साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स मॉड्यूल 1 मैटर एंड इट्स फिजिकल नेचर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो पहले तो बताइए मैटर क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है, आपके सामने चेयर पड़ी हुई है, आपके सामने चौक पड़ा हुआ है, इन सभी चीज के अंदर क्या कॉमन चीज है? बिल्कुल सही, ये तीनों चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। टेबल भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चेयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चौक भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और तीनों के अंदर अपना अपना मास होता है, वजन होता है। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर नाउ? द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वॉटर और अ पार्टिकल ऑफ अ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। वाई? बिकॉज दे ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास ऑल्सो। मैटर को हम आइडेंटिफाई करते हैं या फील करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। फॉर एग्जाम्पल, हम हवा को देख नहीं सकते हैं पर फील तो कर सकते हैं। हम एयर को मैटर कहेंगे या नहीं कहेंगे? एयर को मैटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, सो एयर इज ऑल्सो मैटर। वाई? बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो जो चीज जिसका मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो सब क्या कहलाते हैं? मैटर। आपको हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन, इमोशंस, ब्यूटी, सोरो, थॉट्स, आइडियाज, इनको फील तो कर सकते हो पर इनको मैटर कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ना तो उनके पास कोई स्पेस होता है, ना उनके पास कोई मास होता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैटर की क्या है? मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। वी कैन फील हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शंस, इमोशंस, ब्यूटी, सोरो, थॉट्स एंड आइडियाज, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। वाई? बिकॉज दे डू नॉट एक्वायर एनी स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। समझ आई आपको? तो अब तो क्लियर हो गए होंगे आप कि किसे हम मैटर कहते हैं, किसे हम मैटर नहीं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। पुरानी प्राचीन टाइम पे इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को क्लासिफाई किया था इनटू फाइव बेसिक एलिमेंट्स। फाइव बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इनको हम पांच तत्व कहते हैं। तो इंडियन फिलोसोफर के हिसाब से सभी चीजें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सभी जो है इन पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। क्या फिलोसोफी थी इंडियन फिलोसोफर्स की? अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। द पांच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स भी अपनी क्लासिफिकेशन इसी तरह बनानी थी। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड गिवन अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उनके हिसाब से भी जो मैटर है वो फाइव बेसिक एलिमेंट्स से बने होते हैं। परंतु आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर का क्लासिफिकेशन अलग तरह से किया है। उनके हिसाब से मैटर का क्लासिफिकेशन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से किया जाता है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया है थ्री स्टेट्स में। आपको याद ही होगा कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। बिल्कुल ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर के अंदर हम मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स। व्हाट आर द थ्री स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी किया है।
केमिकल प्रॉपर्टीज की क्लासिफिकेशन के अनुसार मैटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में। वो तीन कैटेगरीज कौन सी है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इनको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। वी विल स्टडी अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने देखा यहां पर कि हमने मैटर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर कैसा है? दो विचारधाराएं थी जो लंबे समय से डिस्कस कर रही थी कि मैटर का नेचर कैसा है। एक विचारधारा में लोग मानते थे कि मैटर जैसे एग्जिस्ट करता है जैसे वो दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके सामने टेबल है, टेबल एग्जिस्ट कर रही है, तो मैटर जो है वो टेबल ही है, यानी जैसे टेबल एग्जिस्ट कर रहा है वही पूरा मैटर है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? शेप एंड साइज। तो जिस शेप और साइज में आपको मैटर नजर आ रहा है वही मैटर है। चलिए इसको हम दोबारा समझते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस? इट मींस मैटर लुक्स लाइक एज इट एग्जिस्ट, लाइक अ टेबल इज इन फैक्ट अ टेबल ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स शेप एंड साइज एज इट एग्जिस्ट। यानी पूरा टेबल एक ही मैटर का बना हुआ है। जबकि दूसरा विचारधारा वाले ये मानते थे कि मैटर जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और बाद में जाके ये विचारधारा के जो लोग थे उनकी बात मानी गई, प्रूव की गई है। आज हमें मालूम है कि जितने मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर ही बने हैं। ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल है, इतने छोटे है कि इसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। इन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को हम जानते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम से। तो मैटर किससे बने हुए हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हमने नाम दिया है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो सेकंड स्कूल क्या समझती थी? सेकंड स्कूल बिलीव्ड मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बट लेटर ऑन इट वॉज प्रूव्ड दैट ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। दिस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। व्हाट आर दिस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच मेक अप द मैटर कॉल्ड? दिस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच मेक अप द मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो समझ आया आपको कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। इतने एक्सट्रीमली स्मॉल है कि इसको आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वॉटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड आर मैटर। वाई? बिकॉज दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास ऑल्सो। वाई? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इमोशंस, ब्यूटी, सोरो विच यू कैन फील आर नॉट मैटर। वी कैन फील हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इमोशन, ब्यूटी, सोरो, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर बिकॉज दे डू नॉट एक्वायर एनी स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। नेक्स्ट, हाउ वॉज मैटर क्लासिफाइड बाय अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स? अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई
and water. According to them, everything, living or non-living, was made up of these five basic elements. How is matter classified on the basis of their physical properties? Matter can be classified into three states on the basis of their physical properties: solid, liquid, and gas. How is matter classified on the basis of their chemical properties? Matter can be classified into three categories on the basis of their chemical properties: elements, compounds, and mixtures. Clear? What is matter made up of? Each and every matter is made up of extremely small particles. These particles are so small that they cannot be seen even with the help of powerful microscopes. What are these extremely small particles now known as? These extremely small particles which make up matter are atoms or molecules. हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपको इस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे हुए अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द बेस्ट।